अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग भी खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हसब मामूल जैसे कि गला मेरा सही नहीं हुआ दवाइयाँ असर नहीं करनी, दवाइयाँ बहुत सारी खा ली तो अभी सो के उठी थी। अब मैं नींद में भी सोच रही थी कि आज क्या पकाऊँ। वैसे मुझे चौलाई बनवानी थी तो अभी घर में थोड़ी सी हरी मिर्चें वगैरह नहीं थी क्योंकि मैं कल बाज़ार नहीं गई थी, तो आज इंशाल्लाह ले आऊँगी। तो अब मैंने सोचा कि क्या पकाया जाए, तो आप लोगों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ जो कि घर में बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे और आप लोग भी कम चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी। अच्छा, मैं क्या बनाने लग गई हूँ आज? फ्रेंच फ्राइज मैक्रोनी, ठीक है ना? फ्रेंच फ्राइज मैक्रोनी बनाने लग गई हूँ। ये आ गया है शरारती बच्चा, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। जी बच्चे मिठे, इधर देखो, पहले ये मैंने अपने लिए मिठे काटे, ठीक है? मैंने कहा लाएँ थोड़ी सी एनर्जी बहाल कर ली जाए। और ये बच्चा क्या करने आया? अच्छा जी, ये देखें, ये बच्चा जो है ना मुझे कोई चीज़ भी नहीं खाने दिया, ख़राब बच्चा हो गया है। अब मैं ये मीठे लाई थी ना आप लोगों को दिखाया था पिछली वीडियो में, तो चलें थोड़ी सी एनर्जी बहाल कर ली जाए, ठीक है? फिर बाकी चलते हैं काम की तरफ, फ्रेंच फ्राइज काटेंगे और फिर मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा जनाब, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब बनाने लगी हूँ मैं फ्रेंच फ्राइज मैक्रोनी। फ्राइज मैंने कटिंग कर लिए हैं, टमाटर बड़े साइज़ के लिए हैं, ठीक है? 4 टमाटर। अच्छा, ज़ीरा लिया है मैंने थोड़ा सा, ठीक है? कुटी हुई मिर्चें, हरा धनिया, हरी मिर्चें, जैसे टमाटर की चटनी ग्राइंड होती है आपने सेम उसी तरीके से टमाटर की चटनी ग्राइंड करनी है और फिर आपको बता दी। ऑयल गरम कर लिया है मैंने, चटनी दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिया चटनी, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा चक पड़ा है मेरा तो। अच्छा जी, इधर पानी मैंने बॉयल्ड होने के लिए रख दिया ऑयल डाल के, अभी फ्राइज फ्राई करेंगे, फिर मैं आपको मज़ीद भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये फ्राई हो रहे हैं अभी। इधर दूसरी जगह पे मैंने ये मैक्रोनी रख दी बॉयल्ड होने के लिए। एक राउंड में तो फ्राई कर चुकी हूँ। अच्छा, गोश्त नहीं है घर में, इजी है। आलू तो सबके घर में होते हैं, टमाटर वगैरह तो बड़े आसान तरीके से बन जाती है, कोई ज़रूरत नहीं आप लोगों के चिकन इतनी महंगी हो गई हो और टेंशन नहीं जाए। अच्छा ये देखें, ये जो है ना मैक्रोनी बॉइल्ड हो चुकी है, ठीक है ना? अब ये चटनी, थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया, चटनी मैं इसमें डालने लगी हूँ, इसको फ्राई करना। देखिए जनाब, इस तरीके से मैक्रोनी ये चटनी बिल्कुल फ्राई हो गई, ऑयल पर आ गया, ठीक है ना? अब मैं मैक्रोनी फ्राइज सब ऐड कर दूँगी, फ्राइज की मैक्रोनी सब इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए भाई, ये इसकी फाइनल लुक, बहुत प्यारी सी, बहुत ज़बरदस्त। ये रही मज़ेदार मैक्रोनी, ये डिश आउट मैंने कर दिया है और आप लोग चेक कर सकते हो। सोनू कैसी बनी है? Very dangerous.